हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद उदय चैनल। और आज मैं आपके लिए वोकैबुलरी का सेशन लेकर आया हूँ। डेली मैं आपको 5 वर्ड वोकैबुलरी के बताऊंगा जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। तो डेली वोकैबुलरी के 5 वर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, तो ज़रूर पढ़ के जाइए। और एक और चीज़ देखी गई है कि आजकल वोकैबुलरी चेंज हो रही है, नए नए वर्ड्स पूछे जा रहे हैं, तो ज़रा नए नए वर्ड्स को भी देख लीजिए, ठीक है? CHSL और SSC के एग्जाम में आ सकता है, और बाकी आप लोग जो भी एग्जाम दे रहे होंगे गवर्नमेंट के उसमें भी पूछा सकता है। तो वोकैबुलरी काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ओके? चलिए, सबसे पहला वर्ड हमारा है साइन, ठीक है? साइन, ठीक है? एक चीज समझ लीजिए, वोकैबुलरी पढ़ने का तरीका क्या होता है। वोकैबुलरी पढ़ने का तरीका होता है, जब भी आप किसी वर्ड को पढ़ते हैं ना, तो उस वर्ड पे थोड़ा सा टाइम दिया करिए। उसको हिंदी में भी पढ़िए, उसको इंग्लिश में भी पढ़िए, और उसको डेली लाइफ से रिलेट करके देखिए। कम से कम एक वर्ड के साथ 5 मिनट उस पर सोचें। जैसे एक वर्ड आपके पास सामने आया है साइन, तो पहले साइन को बोलिए, साइन को 2-3 बार बोलिए, साइन साइन साइन, ठीक है? मैंने 2-3 बार बोल लिया। अब इससे बोलने से फायदा क्या हुआ, ये चीज मेरे दिमाग में बैठ गई कि साइन एक वर्ड होता है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है, दूसरा वाला जो मीनिंग लिखा है वो ज्यादा सही है, उत्तराधिकारी वंशज। हिंदी में पढ़ोगे ज्यादा याद रहेगा, उत्तराधिकारी या वंशज। जब होता है ना कि ही इज अ सायन ऑफ दिस किंगडम, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे तो उनके उत्तराधिकारी होते थे, तो ही इज द सायन, ठीक है? तो अ डिसेंडेंट ऑफ अ नोटेबल फैमिली, कोई ऐसी फैमिली जो बहुत ज्यादा रसूख वाली फैमिली है, उसका जो उत्तराधिकारी होता है उसको सायन बोलते हैं। और अगर प्लांट के टर्म्स में बात करोगे तो प्लांट के टर्म्स में जो अभी छोटा सा प्लांट उगा है, मान लो आपने किसी पेड़ को काटा, ग्राफ्टिंग बोलते हैं उसको, और उसमें से छोटा सा प्लांट निकल आया, तो उसको भी साइन बोलते हैं। लेकिन वो साइंटिफिक मीनिंग है, आपको सेकंड वाले मीनिंग पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इंग्लिश में ये वाला वर्ड ज्यादा यूज होता है। तो साइन का मीनिंग होता है डिसेंडेंट ऑफ अ नोटेबल फैमिली, मतलब एक उत्तराधिकारी, एक ऐसे रसूख वाले परिवार का उत्तराधिकारी। हिंदी में इसको वंशज भी बोल सकते हैं। अब जैसे आपने ये वर्ड पढ़ लिया, तो आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से बोलो, इसको साइन कि साइन क्या क्या होता है, थोड़ा सा उसको दिमाग में बैठाओ। देखो, ब्रेन का एक बहुत सीधा सा फंडा बता दूं, ब्रेन उस चीज को रिकॉल करता है जो चीज आपके दिमाग में रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कोई चीज बार बार पढ़ी है तो आपके दिमाग में रहेगी। देखो, ये साइंटिफिक है, और कोई तरीका नहीं। आप लोग को बहुत सारे तरीके बताए जाते होंगे, बट ये साइंटिफिक तरीका है। आप ये जिन लोग अभी तैयारी कर रहे होंगे, जो फ्रेशर होंगे वो तो नहीं, जो लोग बहुत काफी दो साल से तैयारी कर रहे होंगे, एक साल से, वो ये जानते होंगे कि जब जिस चीज को उन्होंने ज्यादा देखा है वो उनको याद रहती होगी, ठीक है? चलिए, तो ये वर्ड आप लोगों को क्लियर हो गया, साइन, साइन माने वंशज, माने उत्तराधिकारी, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है वाइंग, VYING, इसका मतलब होता है कंपीटिंग, प्रतिरोधी, ठीक है? बराबरी करने वाला, होड़ करने वाला, एक दूसरे को टोकने वाला। तो सपोज हमें कोई पोजिशन पानी है, उसके लिए दो लोग लड़ाई कर रहे हैं आपस में, तो हम लोग बोलेंगे द 2 persons आर वाइंग फॉर द पोजिशन। तो इसको हम लोग प्रतिरोधी, बराबरी करने वाला, होड़ करने वाला। एक चीज समझ लीजिए, मैं बहुत काम की बात कह रहा हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम इंग्लिश में रिसर्च करने नहीं आए, ठीक है, कि इस वर्ड, ये वाला वर्ड उस वाले वर्ड से कैसे डिफरेंट है। हालांकि थोड़ा बहुत सटल डिफरेंस पता होना चाहिए, लेकिन आप लोग को कम से कम वर्ड का सेंस जरूर पता होना चाहिए कि वर्ड एक्चुअली में है क्या। मेरी बात समझना, अगर मैं कहता हूं वाइंग, वाइंग से आपके दिमाग में सेंस क्या आना चाहिए, कंपटीशन, प्रतिरोधी, तो आप फिल इन द ब्लैंक भी कर पाओगे, ठीक है? तो कम से कम तुम्हें वर्ड का सेंस पता होना चाहिए। जैसे स्टम्बलिंग मतलब होता है लड़खड़ा कर चलना, और वॉकिंग मतलब होता है नॉर्मली चलना। तो अगर तुम्हें यह पता है कि दोनों का मतलब चलना है, तो फिर भी तुम आंसर टेक कर पाओगे, एटलीस्ट तुम्हें सेंस तो पता है, ठीक है? तो वाइंग का मतलब होता है कंपटीशन, प्रतिरोधी, बराबरी करने वाला, होड़ करने वाला, एक दूसरे को टोकने वाला। अब इस पर सेंटेंस बनाना, कमेंट करके बताना मुझे सेंटेंस। आप ऐसा करना, इन 5 वर्डों को ना एक सेंटेंस में मुझे यूज करके दिखाना, ठीक है? जो भी अभी 5 वर्ड मैं आपको बताऊंगा, इन 5 वर्ड को आप एक सेंटेंस में यूज करके कमेंट लिखना, आपको देखना आपकी वोकैब इंप्रूव होगी। डेली 5 वर्ड मेरे साथ तैयार करना, आप लोग की वोकैब इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। परयूज, एक वर्ड है परयूज। तो जब आप किसी चीज को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, उसकी बारीकी से पढ़ते हैं, तो उसको परयूज करते हैं। ही इज परयूजिंग द डॉक्यूमेंट, ओके? इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ रहा है। तो रीड समथिंग टिपिकली इन अ थॉरो और केयरफुल वे, ध्यान देकर पढ़ना या ध्यान से पढ़ना, ठीक है? चलो,
तो ये परयूज वर्ड क्या हुआ, परयूज वर्ड का मतलब हुआ उसको रीड करना बहुत थॉरो वे में, मतलब ऐसे, मतलब कि उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान देकर पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो परयूज का मतलब होता है रीड करना, ध्यान से पढ़ना। गाउडी, गाउडी, GAUDY, नेक्स्ट वर्ड है मेरा गाउडी, GAUDY, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट, ब्राइट और शोई, टिपिकली सो एज टू बी टेस्टलेस, भड़कीला, दिखावा, भड़कदार। जैसे आप देखते होंगे ना कि कभी कभार क्या होता है कि हम लोग जैसे किसी बार में जाते हैं, किसी पब में जाते हैं, तो वहां जो लोगों ने ड्रेसेस पहने होते हैं वो ड्रेसेस बड़े भड़कीले होते हैं, मीन्स वो नॉर्मली ऐसे कपड़े घर पे पहन के नहीं घूमते, ठीक है। भड़कीले का मतलब ये नहीं है कि वो अपीलिंग होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभार आप देखेंगे कि उनकी ड्रेसेस जो हैं एनीवन, ठीक है, मेल और फीमेल, तो वो थोड़ी सी भड़कीली होती है, तो वो अटेंशन गेन करने के लिए भी होती है, वो जो भी उसका पर्पस हो, लेकिन गाउडी का मतलब होता है भड़कीला, ठीक है। तो GAUDY, गाउडी का मतलब क्या हुआ, भड़कीला, ठीक है। तो आप इसको निमोनिक बना के भी याद कर सकते हैं, ठीक है। निमोनिक मतलब ऐसे तोड़ के पढ़ना कि वो मुझे याद हो जाए, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, उस वर्ड को बार बार पढ़ेंगे, यूज करेंगे तभी याद होगा, ऐसे याद नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो गाउडी का मतलब होता है भड़कीला। नेक्स्ट, बोल्डराइज, बोल्डराइज का मतलब क्या होता है, इसकी स्पेलिंग मुझे ठीक करनी पड़ेगी, वेट, सॉरी, बोल्डराइज, बोल्डराइज में इधर है, सॉरी, स्पेलिंग सही कर लिए, BODLERIZE, बोल्डराइज, स्पेलिंग आप लोग सही कर लो, बोल्डराइज, BODLERIZE। किसी, रिमूव द मटेरियल दैट इज कंसिडर्ड इम्प्रॉपर और ऑफेंसिव फ्रॉम अ टेक्स्ट और अकाउंट, एस्पेशली द रिजल्ट दैट टेक्स्ट बिकम्स वीकर और लेस इफेक्टिव, ठीक है। जब आप किसी चीज से उसके इम्प्रॉपर मटेरियल को हटा लेते हैं, तो वो क्या होता है, उस इम्प्रॉपर मटेरियल को और ऑफेंसिव चीज को हटा लेते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जिस टेक्स्ट से आप ये चीजें हटाते हैं वो इफेक्टिव कम हो जाता है। तो बॉडलराइज का मतलब होता है अपशोधन करना, परिशोधन करना, उसमें से कुछ जो इम्प्रॉपर चीजें हैं और जो और ऑफेंसिव चीजें हैं उनको हटा लेना किसी टेक्स्ट और किसी अकाउंट से, ठीक है। जैसे आपने अपने फेसबुक अकाउंट पे कुछ लिख दिया, बहुत ही ऑफेंसिव लिख दिया, मान लो किसी रिलीजन के बारे में लिख दिया, किसी चीज के बारे में लिख दिया, तो उसको हटाएंगे, तो अगर हमने वो चीज हटाई तो आपके टेक्स्ट और अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएंगे, ठीक है। मतलब वो जो आपने लिखा होगा वो कोई मायने नहीं रखेगा। तो आज हमने काफी सारे वर्ड्स पढ़े, कौन कौन से पढ़े, साइन जिसका मतलब होता है वंशज, उत्तराधिकारी, वाइंग का मतलब होता है कंपटीशन, और परयूज का मतलब होता है ध्यान से पढ़ना, बारीकी से पढ़ना, गाउडी का मतलब होता है भड़कीला, बॉडलराइज का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजों को हटा देना जो इम्प्रॉपर और ऑफेंसिव है। तो अगेन वर्ड, जो ये मैंने वर्ड बताए हैं इनको आप लोग अच्छे से यूज करो, और वर्ड याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, पहले उस वर्ड को 3 बार बोलो, फिर उसका इंग्लिश में मीनिंग देखो, फिर उसका हिंदी में मीनिंग देखो, फिर उसको किसी सेंटेंस में यूज करके देख लो, या फिर उसका निमोनिक बना लो, ठीक है। लेकिन डेली 5-5 वर्ड्स करोगे, फिर डेली जैसे होता है ना, धीरे धीरे आपकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी, तो धीरे धीरे 5 से 10 हो जाएगा, 10 से 15 हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो, ओके स्टूडेंट। तो डेली मेरे साथ आना, नए नए वर्ड सिखाऊंगा, ओके। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, डेली आपको सेशन मिलेगा। थैंक यू।